रमेश भिदुड़ी के बयान पर दानिश अली ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी ली, संसद में नहीं छोड़ता तो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद दानिश अली ने अपने खिलाफ बीजेपी एमपी रमेश भिदुड़ी की संसद अमर्यादित टिप्पणी को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शुक्रवार 22 सितंबर को लेटर लिखा है। उन्होंने इसमें लिखा कि नियम 227 के तहत मामले को विशेष अधिकार समिति को भेजा जाए। इसके साथ ही बीएसपी नेता के बयान पर कड़ी आपत्ति भी जताई गई है। दानिश अली ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, क्या आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी जी के प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में जैसे शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता तो वो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा, यह सोचकर भी रूह कांप जाती है। आगे उन्होंने पत्र में लिखा है कि जिस तरीके से ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ये खाली मुझ पर ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी को गाली दी गई है। ये सब गहरी पीड़ा के साथ मैं लिख रहा हूँ। मेरे खिलाफ चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के दौरान टिप्पणी की गई, नई संसद में हुई ये घटना दिल तोड़ने वाली है। वे अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले एक चुने हुए प्रतिनिधि। आगे आपको बता दें, दानिश अली ने कहा कि वो भिदुड़ी के खिलाफ नियम 222, 226 और 227 के तहत नोटिस देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि नियम 227 के तहत इस मामले को विशेष अधिकार समिति के पास भेजा जाए। मेरा आग्रह है कि इस मामले में जांच के आदेश दिए जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई जरूरी है ताकि देश का माहौल दूषित ना हो। दर्शकों, आपको बता दें कि बसपा को लेकर यानी कि बसपा सांसद दानिश अली के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले भाजपा सांसद रमेश भिदुड़ी के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सफाई देनी पड़ी है। उनके शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है। राजनाथ ने कहा कि उन्होंने ये बात जब सुनी तो उसके बाद उन्हें गहरी चोट पहुंची और मैं इस पे गहरा खेद व्यक्त करता हूं। अब दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।